क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दीपक कवाल है। आप आज कहाँ जाकर लेने आए? सर हम लोग ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस आए थे। क्या मामला है? सर मामला ये है कि ये मेरी पत्नी है करुणा, और इनके पापा की 2012 में मृत्यु हुई थी, और 2017 में हम लोगों की शादी हुई थी। 2018 में इनका पैसा मिला था इनके पापा के क्लेम का 43 लाख रुपए सर लगभग, और तीन भाई है ये, तीन भाइयों के अकाउंट में 7-7 लाख रुपए आया था, इनके अकाउंट में भी 7 लाख रुपए आया था, इनकी मम्मी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया था। और उसके बाद में सर इनके मम्मी ने, इनके भाई ने, अमित ने, राहुल ने, और ये बोला इनसे कि आपकी FD करवाई जा रही है, आपकी FD करवाई जा रही है और आप इन चेकों पे साइन कर दो। तो झांसा दे के FD का सर इनसे चेकों पे साइन करवा लिए। और उसके बाद में जब 4 से 6 महीने में हम लोगों को पता लगा कि FD नहीं हुई है, तो उसके बाद हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सर हमें टरकाती रही, और उसके बाद में वो लोग पुलिस को पैसा दे देते थे और हमारी पुलिस कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती थी। उसके बाद में सर हम लोग टाइम बीता गया, फिर न्यायालय कोर्ट में गए, अभी न्यायालय में चल रहा है जी। पता लगा आपने? सर 2021 में डाला था और सर अभी तक चल रहा है। और उसके बाद में सर आए दिन फिर हम, उसके बाद सर हम लोग न्यायालय में गए, न्यायालय में चल रहा है, और उसके बाद फिर आए दिन हमारे साथ मारपीट करते हैं और बोलते हैं घर से बाहर निकल जाओ। इनकी मम्मी ने इनको बार बार पंजाब से बुलाती थी कि आपको चलो हम पैसा दे दे रहे हैं, आप अपना केस वापस ले लो न्यायालय से, और 60 गज ज़मीन के लिखित इकरारनामा दिया और 4 लाख का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। और उसके बाद में सर हमें कुछ नहीं दिया, ना 4 लाख पेमेंट दिया, ना कोई 60 गज ज़मीन दी, और ना ही जो हमारा 7 लाख निकाला था वो दिया। उसके बाद में सर हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं करती। हम लोग 9 तारीख को भी कमिश्नर साहब के ऑफिस आए थे, और जिसमें कि हमने एप्लीकेशन दी थी, और अभी तक रावतपुर थाने से भी राज एप्लीकेशन दी है साहब को, और हमें यही जताया जा रहा है कि आपकी मदद की जाएगी, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। आज आप कहाँ पर आई मैम? जॉइंट कमिश्नर के पास। क्या मामला है? सर मेरे भाइयों ने पैसा निकाल लिया FD के बहाने से। कितने ऊपर है? 7 लाख रुपये। कब का मामला है? 2018 का। ऐसे पता चला कि मम्मी से हमने पूछा था कि क्या कहते हैं वो हमारी FD हो गई है तो हमारा जो कागज है हमें दे दीजिए, तो कहने लगे कि कौन सी FD, कैसी FD, FD नहीं हुई है। जी हम लोग तो बहुत भाग रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मारपीट भी लोग कई दिन से कर रहे हैं, कम से कम 4-5 दिन से कर रहे हैं, और 4-5 दिन से ही भाग रहे हैं, और 2 महीने हो गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप क्या यहाँ पर हैं? और भी क्या देखिए क्या कुछ नीचे पर हाँ। आज आप कहाँ पर आई मैम? जॉइंट कमिश्नर के पास। क्या मामला है? सर मेरे भाइयों ने पैसा निकाल लिया FD के बहाने से। कितने ऊपर है? 7 लाख रुपए। कब का मामला है? 2018 का। आपको कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि मम्मी से हमने पूछा था कि क्या कहते हैं वो हमारी FD हो गई है तो हमारा जो कागज है हमें दे दीजिए, तो कहने लगे कि कौन सी FD, कैसी FD, FD नहीं हुई है। जी हम लोग तो बहुत भाग रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मारपीट भी लोग कई दिन से कर रहे हैं, कम से कम 4-5 दिन से कर रहे हैं, और 4-5 दिन से ही भाग रहे हैं, और 2 महीने हो गए हम लोग, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप क्या यहाँ पर हैं? और भी क्या देखिए क्या कुछ नीचे पर हाँ।